भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शरद के पास अब सीधे जाना चाहेंगे, हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। शरद, हमने बात जो शुरू करी थी और आज का जो मौजू था वो यही था कि लॉकडाउन ही हमारे पास एक सोल्यूशन, एक हथियार, कारगर हथियार दिखाई पड़ रहा है। वैक्सीन हाँ ऑफकोर्स है, लॉन्ग रन में वही हमको बचाएगी। और उसके ऊपर मुझे भी ये लगता है कि जैसी बातचीत पे लग रहा था, एम्स के डॉक्टर मौजूद थे, आप मौजूद थे उस समय, एक नेशनल पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। और रवि गोडसे ने उस दिन हमारे शो में ये बात कही थी, रवि गोडसे ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप जिनको कि हो चुका है एक बार कोरोना, तो उनको तो आप डिले कर सकते हैं, उसको 2 महीने बाद दे सकते हैं वैक्सीन, और एक अच्छा सोल्यूशन है, तब तक आप तैयारी कर लेंगे। लेकिन लॉकडाउन को लेकर अब लगभग लोगों के दिमाग में तस्वीर है, 718 लगभग डिस्ट्रिक्ट है देश भर में, 230 के आसपास ऐसे हैं जहां पे, और कहीं कहीं तो पॉजिटिव रेट, अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें कहीं की तो 76% है, कोलकाता की बात करें तो 45, यानी हर दूसरा आदमी पॉजिटिव है। आज दिल्ली की अगर बात करें तो आज तो घट के 19 के आसपास आ गई है, लेकिन ये 32 थी। आप अंदाजा लगाइए, ये कमोबेश पूरे नेशनल एवरेज है, वीकली एवरेज है। तो देश में अगर हम कहीं भी स्थिति में इसमें बात करें तो लॉकडाउन की तरफ जाता हुआ दिख रहा, पार्शियल से काम नहीं बनता हुआ नजर आएगा। सर जी हाँ प्रतीक, अगर आप कुल मिलाकर परिस्थिति देखें तो आपने जो आंकड़े बताए कि 218 डिस्ट्रिक्ट इस समय प्रभावित है 730 डिस्ट्रिक्ट में से, ये बताता है कि अलग अलग देश के हिस्सों में जो पॉजिटिविटी रेट, इंफेक्शन रेट और जो कंटेनमेंट जोन वो अलग अलग किस्म के हैं। मुझे लग रहा है इसी बात को लेके सरकार ने, क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हर राज्य यूनिक है, हर राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिक है, हर राज्य में इंफेक्शन और पॉजिटिविटी यूनिक है, ये हम देख ही चुके हैं। मुझे लग रहा है इसी बात को लेके सरकार ने इस दफे, पिछली दफे हमने देखा, आपने जो शुरू में शो में बोला था कि जब 500 केस हुए थे तो नेशनल लॉकडाउन लग गया था, पर सरकार ने इस बार इसको डिफरेंट तरीके से लिया कि आप स्टेट्स के ऊपर छोड़ दीजिए। पर अगर प्रतीक, अगर हम आज भी देखें परिस्थिति, तो अगर आबादी के लिहाज से देखें तो करीब करीब 70% से अधिक आबादी किसी ना किसी प्रकार के लॉकडाउन में है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन नहीं है, पर क्योंकि ये पार्शियल लॉकडाउन है, और देखिए जो इसका आर्थिक, देखिए जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं भी एक इंसान हूं और अर्थशास्त्री बाद में हूं, पहले इंसानियत के नाते मैं किसी भी ऐसे कदम का, किसी भी ऐसी सलाह का सपोर्ट करूंगा जहां पर लोगों की पहले जाने बचे, पर क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री भी हूं तो मेरा यह दायित्व बनता है प्रतीक कि हम देश को यह भी अवगत कराएं कि जब पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, जो नेशनल लॉकडाउन जिसको कहते हैं, शायद कुछ लोग भूल गए होंगे, उसकी कीमत क्या आई थी। प्रतिदिन जो नेशनल लॉकडाउन होता है प्रतीक, वो 40,000 करोड़ रुपए उसकी प्रतिदिन कॉस्ट आती है। कुल मिला के 24% जीडीपी गिर गई थी फर्स्ट क्वार्टर में, सब जानते हैं, 8% उससे अगले क्वार्टर में गिर गई थी, करीब 1,90,00,000 नौकरियां चली गई थी। और प्रतीक मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं, करीब करीब 35% परिवार देश में उस समय ऐसे थे जिनके घर में एक दिन या कई दिन खाना नहीं बना था। 23% परिवार ऐसे थे जिनको उधार लेना पड़ गया था, जिनके पास अपनी रसोई चलाने के लिए जगह नहीं थी। ये मैं आपको नेशनल लॉकडाउन के परिणाम बता रहा हूं, और ये कहते हुए मैं साथ में ये बार बार जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी ऐसे कदम जिससे लोगों की जाने बचे उसके साथ मैं पूरे दिलो दिमाग से खड़ा हुआ हूं, पर ये एक दोधारी तलवार है, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ लोगों की जाने है, जान है, दूसरी तरफ जहान है। ऑफकोर्स शरद, मैं एक संवेदनशील इंसान हूं, मैं भी एक छोटे से शहर से आता हूं, एक बहुत छोटे से शहर में आज से आता हूं, दिल्ली में बैठा हूं और घूमता हूं गांव की तस्वीर, ज्ञानेंद्र मेरे के बगल में बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर तस्वीर बताएंगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि ये तर्क आया था कि आप ऐसे नहीं मरेंगे तो हम वैसे मर जाएंगे, अगर हम कोरोना से नहीं मरेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, आई मैं कह रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ कहा कि प्लीज आप इस पर कदम उठाइए, अमेरिका के सलाहकार हैं प्रेसिडेंट के, उनका कहना है कि 15-20 दिन का आप लॉकडाउन लगाइए और उसके बाद स्थितियों का मूल्यांकन करिए, उससे आपको बेटर रिजल्ट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ज्ञानेंद, मैं आपको शामिल करना चाहता हूं इस मौजूदा समय जहां पर डॉक्टर सूर्यकांत किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से हैं, वो बता रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं गाँव की और तहसीलों की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त पोजीशन है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह से बात हो रही है। डॉक्टर ज्ञानेंद
देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हाल में पंचायत चुनाव हुए और इस पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश में जो कोरोना महामारी थी जो शहरों में फैली हुई थी पहले पिछले साल की जब बात हुई थी तो गांवों तक नहीं पहुंचा हुआ था, जबकि तमाम लोग गांवों तक पहुंचे थे और लोगों को डर था कि गांवों में भी अगर इसका विस्तार हो जाएगा तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। लेकिन इस बार जब दूसरी लहर आई तब पंचायत चुनाव 4 चरणों में चुनाव हुए और 9 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने हिस्सा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और उसके